हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि ड्यूरिंग बेल्स पाल्सी हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या हमें एक्शंस करने चाहिए, हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को अवॉइड करना है। जब भी कोई पेशेंट्स हमें विजिट करता है, दैट इज श्रेयास को विजिट करता है, तो उनका इनिशियली क्वेश्चन यही होता है कि क्या हमारा चेहरा ठीक हो पाएगा, क्या हम अपनी कॉस्मेटिकली ब्यूटी वापस से वो गेन कर पाएंगे जो हमारा पहले था। क्योंकि एट टाइम्स व्हाट हैपन बेल्स पाल्सी में, जो हमारे चेहरे में डेविएशन जो आती है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग होती है, और पेशेंट्स एंग्जाइटी में पहुंच जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हम अपनी वापस से वो नेचुरल ब्यूटी दैट इज कॉस्मेटिकली हम ठीक हो पाएंगे या फिर नहीं। तो आज मैं अपनी वीडियो में यही बात करूंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो आपको अवॉइड करनी है। अब हम अपनी वीडियो को डिवाइड करते हैं दो सेक्शन में, दैट इज डूज एंड डोंट्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डोंट्स के बारे में, कि मतलब हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमें नहीं करनी है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज टू मच ऑफ द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। होता क्या है, जब भी पेशेंट्स आते हैं तो वो सबसे पहले उनका यही क्वेश्चन होता है कि हम ठीक होंगे, हम ठीक हो पाएंगे, क्या हमारा चेहरा पहले की तरह ठीक हो पाएगा या नहीं, जो टेढ़ापन है, जो थोड़ा सा बदलाव चेहरे में आया वो ठीक होगा या नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने मेंटल स्टेट को स्टेबल रखना है, हमें अपने माइंड को स्टेबल रखना है कि जो भी चीज़ हमारे साथ हुई है, जो भी हमारे साथ दुर्घटना हुई है, किसी भी वजह से चाहे वो हुआ है, तो वो टाइम के साथ ज़रूर ठीक होगा। और टाइम के साथ कैसे ठीक होगा, जब आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस करेंगे, प्रॉपर मेडिकेशंस लेंगे, अपने डॉक्टर की प्रॉपर एडवाइस को फॉलो करेंगे टाइम के साथ, तो क्यों नहीं आपकी बीमारी ठीक होगी। तो आपको करना क्या है, बस आपको थोड़ा सा स्टैटिक रहना है, थोड़ा सा काम रहना है कि जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, वेदर इट इज़ रिगार्डिंग एनीथिंग, चाहे वो किसी भी वजह से हुई है, कैसे भी हुई है, बट वो ठीक ज़रूर होगी। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्जाइटी नहीं लेनी है, डिप्रेस नहीं होना ये सोच के। इनफैक्ट आपको करना क्या है, किसी भी बात को लेके परेशान होने की बजाय आप उस बात का हल ढूंढोगे, है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मुझे उस चीज़ को लेके सोचना नहीं है, बल्कि मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी परेशानी ठीक हो जाए। तो बेल्स पाल्सी के केस में आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइजेस, मेडिकेशंस एंड प्रॉपर रेस्ट। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तो जगह ही नहीं बची, तो आपको वो चीज़ अपने माइंड में लेके ही नहीं आनी कि हाँ मुझे ऐसा भी कुछ सोचना है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज टू मच ऑफ द फेशियल एक्सरसाइजेस। पेशेंट्स को लगता है कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी बार वो ये सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर लेंगे, ज़्यादा रिपीटेशंस कर लेंगे, तो क्या पता हम जल्दी ठीक हो जाएं। बट ऐसा नहीं होता, आपको लिमिटेड एक्सरसाइजेस करनी है, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइजेस करनी है। देखो, हम नॉर्मल लाइफ में हम क्या प्रेफर करते हैं, क्वालिटी प्रेफर करते हैं। तो आपको एक्सरसाइजेस करनी है, लेकिन क्वालिटी के साथ करनी है, ये नहीं कि क्वांटिटी बढ़ा देनी है। ज़्यादा एक्सरसाइजेस करने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी फेस मसल्स थक जाएंगी, अपने हैंड्स का यूज़ कर रहे हो आप थक जाओगे। तो हमें वो एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, हमें करना क्या है, एक्सरसाइजेस तो करनी है लेकिन प्रॉपर टाइम के साथ, स्केड्यूल्ड एक्सरसाइजेस करनी है। और एक्सरसाइजेस कौन सी, पहले भी एक वीडियो बनाई है फेशियल एक्सरसाइजेस के ऊपर, आप जाके, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप प्लीज़ वो जाके वीडियो चेक करना कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। गलत एक्सरसाइजेस कभी नहीं करनी, गलत एक्सरसाइजेस करोगे तो प्रॉब्लम डिटोरिएट होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली आपकी प्रॉब्लम ठीक होने के। नाउ द नंबर थर्ड इज टू मच यूज़ ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। एट टाइम्स क्या होता है, पेशेंट्स को लगता है, जनरली हमारे इंडियन सोसाइटी में ये लगता है कि अगर हम ज़्यादा मशीन लगाएंगे, ज़्यादा मोडालिटीज लगाएंगे, तो क्या पता हमारी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाएगी। बट दैट इज़ नॉट द क्योर। आप मैनुअली जितनी चीज़ों को ठीक कर सकते हो, वो मोडालिटीज से उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एक मशीन का नाम है जो हम लगाते हैं बेल्स पाल्सी के पेशेंट्स में, लेकिन वो कब लगाते हैं, मशीन का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारी मसल्स की मूवमेंट बिल्कुल निल हो, कोई एक्शन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, थोड़ी सी भी फ्लिकर मूवमेंट्स हो रही हैं, तो वाई टू यूज़ मशीन। मशीन का यूज़ हमें अवॉइड करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपको मशीन नहीं लगानी, मशीन आप लगा सकते हो, लेकिन कब लगाओगे, जब आपके फेस पे बिल्कुल एक्टिविटी नहीं है, आप कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल भी आपकी कोई भी मसल मूवमेंट है ही नहीं, तो आप मशीन भी लगाओगे। बट अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट है, आप एक्शंस कर पा रहे हो, आप एक्सरसाइजेस कर पा रहे हो, फेस के जैसे जो भी मैंने एक्सरसाइजेस पहले भी वीडियो में बताई है, लाइक दिस, आपको आईब्रो रेज करनी है, नोज फ्लेयर करनी है,
आई ओपनिंग और आई क्लोजिंग जो करनी है, ये अगर आप कर पा रहे हो तो मशीन का कोई रोल है ही नहीं, तो आपको मैनुअली आप जितना कर सकते हो वो चीजें आप करोगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, आप सभी को पता है बेल्स पाल्सी जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी आई में हमेशा ड्राइनेस रहती है, हमेशा खुजली लगती रहती है, हमेशा ड्राइनेस होती है, इचिंग रहती है, तो आपको ज़्यादा एसीज और ज़्यादा हीटर्स में बैठना अवॉइड करना है। हीटर्स और एसीज में बैठोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वापस से वो ड्राइनेस ही तो कॉज करते हैं, तो आपकी आई को और ज़्यादा ड्राई करेंगे, जिसकी वजह से आपको एसीज और हीटर्स को अवॉइड कर। नेचुरल एयर लीजिए, कूलर्स यू कैन यूज़, या फिर नॉर्मल फैन या फिर रूम टेम्परेचर, लेकिन एसीज और हीटर्स का थोड़ा सा यूज़ आपको अवॉइड करना है कुछ टाइम के लिए। चलिए ये तो बात हमने कर ली डोंट्स की, अब हम बात करेंगे डूस की, मतलब दैट इज़ जो चीज़ें हमें करनी है, जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और एट टाइम्स रिपीटेटिवली हमें वो चीज़ें करनी है। तो वो कौन सी चीज़ है, एक्सरसाइजेस करनी है लेकिन ज़्यादा नहीं करनी। लाइक सपोज आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो किसी भी एक्सरसाइजेस के आपने 5 रिपीटेशंस कर लिए और 3 सेट्स कर लिए, बहुत ज़्यादा इनिशियली, तो आपको स्टार्टिंग से धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इंक्रीज करोगे कि हाँ आज मैंने 5 एक्सरसाइजेस कर ली, मुझे कोई इशू नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम आप 7 इंक्रीज कर दोगे। तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस और नंबर ऑफ रिपीटेशंस। नाउ द सेकंड पॉइंट इज फेशियल मसाज। फेशियल मसाज के ऊपर भी मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लीज़ जाके वीडियो चेक कर लीजिए कि क्या सही पैटर्न है फेशियल मसाज करने का। हमेशा मसाज सही पैटर्न में करनी चाहिए, सही स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, जिससे कि आपका कोई भी जो एक्शन है वो डिटोरिएट ना हो, कोई भी मसल एक्टिविटी डिटोरिएट ना हो। इनफैक्ट आपको जल्दी से जल्दी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के लिए मसाज प्रॉपर तरीके से विद इन प्रॉपर लिमिट एंड प्रॉपर स्टेप्स के साथ मसाज करना बहुत ज़रूरी है। और मसाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो ब्लड सप्लाई है जो रुक चुकी है, जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा रुक चुका है, जो नर्व सप्लाई हमारे स्टार्टिंग हो चुके हैं, उन सारी चीज़ों को वापस से रिगेन करने में, मसल्स को वापस से रीएजुकेट करने में हेल्प करता है, तो फेशियल मसाज बहुत ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टेपिंग। जनरली व्हाट हैपेंस, जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमारी आई ऑलरेडी ओपन रहती है, तो हम क्या करते हैं, हमें कोई भी जैसे आई की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो मसल मूवमेंट है, वो सब तो अफेक्टेड है, तो हमारी आई मूवमेंट हो ही नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी आई खुलने की वजह से एट टाइम्स सामने से जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या विंड है वो डायरेक्टली हमें प्रेशर के साथ अटैक करती है हमारी आई पे, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम आई टेपिंग करते हैं। तो आई टेपिंग करना बहुत ज़रूरी है वेन एवर यू आर गोइंग आउट, आप कभी कहीं भी जा रहे हैं अपने डॉक्टर की विजिट के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी आई को टेप रखना है, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, दैट इज़ कॉटन गॉज है, या फिर आप आई मास्क भी होते हैं एट टाइम्स, या फिर आप गॉग्स भी वेयर कर सकते हैं, लेकिन आई टेपिंग जो है, आई टेपिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब आई टेपिंग आप करेंगे कैसे, जनरली क्या होता है, पेशेंट आई टेपिंग तो कर लेता है, लेकिन वो कैसे करता है, वो एकदम से टेप या तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली डायरेक्ट अप्लाई कर लेता है, तो आपकी ऊपर वाली आई तो कवर हो जाती है, लेकिन जो आपकी नीचे वाली आई है उसके लिए आपको प्रॉपरली टेपिंग करनी चाहिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई टेपिंग कैसे करते हैं, उसके क्या क्या यूजेस हैं और प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज आई टेपिंग कैसे करनी चाहिए, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। टिल देन, अगर आपको आपके डॉक्टर ने ऑब्वियसली समझाया ही होगा कि कैसे आई टेपिंग करते हैं, तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखे अपनी आई को कवर करना है, ताकि कोई भी फर्दर इन्फेक्शन या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल फॉरेन एंटीजन आपकी आई को अफेक्ट नहीं कर सकता। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हॉट फर्मेंटेशन। अर्ली स्टेजेस में आपको क्या करना है, आपको अपनी आई को थोड़ी बहुत से, हम कह देते हैं कि सिकाई से चीज़ें ठीक होती हैं, तो अपनी आई की थोड़ी बहुत सिकाई करनी है, तो आप कैसे करोगे, कोई भी कॉटन का स्वैप लेना है या कुछ भी लेना है, थोड़ा सा हीट किया और अपनी आई के ऊपर प्लेस कर लिया, उससे आपको आराम भी मिलेगा और आपकी जो सप्लाई है, जो नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई जो रुक चुके हैं, वो वापस से रीएजुकेट होगी और वापस से अपने एक्शंस परफॉर्म करेगी, तो आप थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रेचिंग ऑफ द नॉर्मल साइड। अब जनरली होता क्या है, हम जो भी चीज़ हमारी ख़राब हुई होती है हम उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ अगर हमारे चेहरे का एक साइड अफेक्टेड है या फिर हमारी बॉडी का एक साइड अफेक्टेड है, तो हम सारे प्रिकॉशंस, सारे ट्रीटमेंट, सारा मैनेजमेंट हम उसी साइड का करते हैं, लेकिन जो हमारी नॉर्मल साइड है हम उसे भूल जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी नॉर्मल साइड तो ठीक है ही, तो उस पर क्या करना। लेकिन अगर आप खराब चीज़ को ठीक कर रहे हो, तो आप सही चीज़ को भी ठीक रखने के लिए एक्शंस परफॉर्म करोगे, तो दैट इज़ अगर बिल्स पॉलिसी में अगर आपका एक साइड का चेहरा अफेक्टेड है, तो सारी एक्टिविटीज़ आपको एक साइड के चेहरे की नहीं करनी है, इनफैक्ट आपको दोनों साइड का फेस इक्वली मैनेजमेंट के साथ डील करना है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे हम अपने नॉर्मल साइड की भी। हम नॉर्मल साइड की स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे, ये ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल स्ट्रेचिंग करनी है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एक दो स्टेप्स करके कि कैसे आप नॉर्मल साइड को स्ट्रेच करोगे। नाउ स्टार्टिंग विद द नॉर्मल साइड, तो आप कैसे करोगे, अपने फिंगर्स को यहाँ पे रखें और दूसरे हैंड से
यू नीड टू स्ट्रेच इट डाउनवर्ड्स लाइक दिस. अगेन आराम से स्ट्रेच करना है. रिलैक्स, इजी. नाउ अगेन यहाँ पे हाथ रखा और यहां से ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया. अगेन इजी. नाउ एक और बता देते हैं. चलो एंड यहां पे रखा और यहां से ऐसे स्ट्रेच किया. That's it, easy. तो आपको यही करना है. आपको अपने अफेक्टेड साइड पे तो ध्यान देना ही है. वहाँ पे सारी मसाज, सारी एक्सरसाइजेस, फॉर्मेंटेशन, टेपिंग, ये सब चीजें करनी है. लेकिन जो आपकी नॉर्मल साइड है आपको उसका भी तो ध्यान रखना है, ताकि आपकी जो सिचुएशन है वो डिटोरिएट ना हो. तो आपको नॉर्मल साइड में भी पूरे मैनेजमेंट के साथ पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना है और स्ट्रेचिंग जनरली फॉलो करनी है. आई होप वीडियो में मैंने जो भी बताया आप सभी को समझ आया हो. अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली यू कैन कॉल मी ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. टेक केयर.